दिस चैनल डू नॉट सपोर्ट एनी इलीगल एक्टिविटी, ओनली कंटेंट प्रोवाइड ओनली एजुकेशन पर्पस एंड दिस कंटेंट ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर आप कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो तो आपने प्रोटोकॉल नाम जरूर सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना उनको प्रोटोकॉल नाम सुनने के बाद उनके दिमाग में आता है कि प्रोटोकॉल क्या है, ये काम क्या करता है और कितने टाइप का होता है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल के प्रकार। यदि आप इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो के जरिए आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? अगर सीधी भाषा में कहें तो ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसका कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि लैन और वैन, इस तरह के सिस्टम में इसका इस्तेमाल करते हैं। हाउ इज वर्क प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है? जैसे कि आप सभी को पता है कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से काम करता है, उसी में हम उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो दो कम्युनिकेशन डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ इसी प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एक डिवाइस दूसरे नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हो सके। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, उस बुक में मैंने 5 नंबर का पेज खोलकर मैं एक सवाल उस बुक के 5 नंबर पेज से अपने किसी दोस्त से पूछता हूँ। ठीक ऐसी ही बुक मेरे दोस्त के पास भी है तो मेरा दोस्त उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएगा। ठीक इसी तरह प्रोटोकॉल सिस्टम काम करता है। प्रोटोकॉल के अलग अलग टाइप का अलग अलग सिस्टम होता है, उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हम वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको दूसरे वाईफाई रिसीवर से कनेक्ट करके उसमें पासवर्ड जोड़कर आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसी तरह से हर तरह के प्रोटोकॉल टाइप अलग अलग कनेक्ट होता है। प्रोटोकॉल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है राउटिंग सिस्टम होता है, दूसरा राउटेड प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, तो चलिए आइए जानते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IMAP इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट हमारे पास राउटेड प्रोटोकॉल है, जिसमें आपको IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPX इंटरनेटवर्क पैकेज एक्सचेंज, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन कोई भी हैकर कैसे चुरा लेता है। आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन दो ही तरीकों से चुरा सकता है कोई भी हैकर, या तो आप किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते जिनको कि हम फिशिंग अटैक बोल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप कोई भी ऐसा टूल यूज कर रहे हो जो कि आपके डेटा को स्टोर करके बैकग्राउंड में कोई फाइल जनरेट कर रहा हो, जिससे कि आपकी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हैकर के डेटाबेस में स्टोर हो जाती हो और उनका यूज कर सकता है। कैसे कोई हैकर आपके आईपी एड्रेस को पता कर सकता है? हैकर आपके आईपी एड्रेस को दो ही तरीकों से पता कर सकता है, एक तो यह कि आपके पास कोई लिंक सेंड करे तब, या जब आप किसी टूल को यूज करते हो। इस वीडियो में आपको प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के टाइप के बारे में जानकारी मिल चुकी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।